दोस्त को निकाल दिया, ऐसा बाहर आराम से बाहर आ जाएगा ये। तो आप देख सकते हो यार, पूरा एकदम गंदा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मेरे पास है अपाची RTR 160। तो मैंने देखा कि मेरे चेन में से अजीब आवाज़ आ रहा था। चेन एकदम टाइट है, कोई लूज़ कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ बाद में कि क्या है रीज़न, ऐसे आवाज़ आने के वजह क्या है, मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि आप कैसे अपने आपके गाड़ी का चेन कैसे क्लीन कर सकते हैं विदाउट एनी टूल्स, यानी कि कोई स्प्रे कुछ भी यूज़ ना करके कैसे आप क्लीन कर सकते हैं अपने चेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा चेन पूरा मिट्टी और ऑयल पूरा मिक्स हो के एकदम गंदा हो चुका है। तो ये पूरा अपन क्लीन करने वाले हैं अभी विथ होम टूल्स, तो आप बने रहिएगा। तो पहले आपको ये गियर शिफ्ट रोडर खोलना पड़ेगा। तो गियर शिफ्ट रोड खोल के वो आपको ये गियर बॉक्स का कवर निकालना है पहले। तो इसके अंदर स्प्रॉकेट है, आपको स्प्रॉकेट भी क्लीन करना पड़ेगा। तो इस सबसे पहले पाना के मदद से गियर शिफ्ट रॉड निकालना है और दो स्क्रू, एक ऊपर और एक नीचे, वो भी निकालना है। तो गियर शिफ्ट रॉड अपन पहले निकाल देंगे पाने के मदद से, उसके बाद कवर बाहर आ जाएगा अपने आप। तो पूरा चेन आपको एकदम क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे स्प्रॉकेट, आगे का स्प्रॉकेट छोटा वाला और पीछे का बड़ा वाला स्प्रॉकेट दोनों भी एकदम साफ कर देंगे। तो पहले अपन ये गियर शिफ्ट रोड निकाल देंगे पाने के मदद से। मैं 11 और 12 की पाना यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे आसानी से निकल जाएगा। बहुत आसान है गियर शिफ्ट रोड निकालने का। कोई भी बाइक को आपका सेम प्रोसीजर है, ऐसा ही एक स्क्रू होता है वो आपको निकालना है। निकाल के, स्क्रू निकाल के आप को गियर शिफ्ट बाहर करना है। इसको बाहर ऐसा निकाल दिया तो शिफ्टर रोड बाहर आ जाएगा। अब आप स्टार स्क्रूड्राइवर के मदद से ऊपर का स्क्रू निकाल देंगे। थोड़ा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइट होता है स्क्रू। फैक्ट्री से मशीन फिटिंग होता है, इसलिए बहुत टाइट है। अगर आप पहली बार निकाल रहे हो तो थोड़ा प्रेशर फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। नीचे का भी अपन निकाल देंगे। आप देख सकते हैं नीचे पूरे एकदम गंदा हो चुका है स्क्रूज सभी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम लूबिंग किया था तो ओवर लूब हो गया था, पूरा चेन ऑयल से भर गया था। तो इसलिए पूरा मिट्टी पूरा ज़्यादा लग गया, पूरा एकदम गंदा हो चुका है अभी। इसलिए जब आप चेन लूबिंग करते हैं तो जितना लूब करना है उतना ही करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा। तो मैं यहाँ पे कवर निकाल दे रहा हूँ। ये आसानी से बाहर ऐसा निकाल सकते हैं अभी, क्योंकि अब दो स्क्रूस निकाल दिया, ऐसा बाहर आराम से बाहर आ जाएगा ये। तो आप देख सकते हो यार, पूरा एकदम गंदा है मेरे स्प्रॉकेट के अंदर। इसका वजह ये है कि जब अपन लूबिंग ज़्यादा करते हैं तो ये रिजल्ट होता है। तो ज़्यादा लूबिंग मत करिएगा, जितना चाहिए उतना ही करिएगा। ज़्यादा ऑयल डालने से पूरा 1000 किलोमीटर के बाद पूरा ऐसा पूरा बन जाता है एकदम, स्प्रॉकेट के अंदर पूरा मिट्टी पूरा मिक्स हो के पूरा एकदम ऐसा डर्ट भर जाता है पूरा। तो मैं बताया था कि आवाज़ का प्रॉब्लम रीज़न मैं बताऊंगा बाद में। तो आवाज़ का रीज़न यह है कि पूरा ऐसा यहाँ पे
एकदम गंदा हो गया है, इसलिए चेन जब रोटेट होता है तो उसमें रगड़ के आपको आवाज़, वो बजिंग साउंड आता है चेन में से। आपको दूसरा क्या, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब आप गियर शिफ्टिंग डालते हैं तो आपका स्प्रॉकेट के अंदर पूरा ऐसा डर्ट है, तो गियर शिफ्टिंग भी एकदम हार्ड हो जाएगा, स्मूथनेस नहीं रहेगा। आप भी एक्सपीरियंस कर चुका होगा ऐसे इश्यूज, चेन में से आवाज़ आना, नहीं तो गियर शिफ्ट रोड बहुत हार्ड हो जाना, इसी गियर शिफ्टिंग आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने छोटे स्टील के मदद से पूरा ऐसा डर्ट पूरा बाहर निकाल दिया, बहुत ज़्यादा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा पूरा निकालने में। आप देख सकते हैं कि कितना कितना गंदगी है उसके अंदर, पूरा एकदम मिट्टी और ऑयल दोनों मिक्स होके पूरा ऐसा हो गया। आप भी ऐसा एक स्क्रू ड्राइवर नहीं तो कुछ मेटल ऐसा शार्प शार्प, मतलब ज़्यादा शार्प नहीं, थोड़ा शार्प ऑब्जेक्ट लेके ऐसा पूरा एकदम क्लीन कर दीजिएगा। और आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर दो वायर जाता है ये गियर बॉक्स के अंदर, तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचाएगा, वो न्यूट्रल इंडिकेटर का वायर वगैरह वायर है तो वो डैमेज मत करिएगा, तो थोड़ा ध्यान से आप क्लीन करिएगा। तो मैं स्प्रे कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा आइडिया यह है कि डू इट योरसेल्फ है, तो आप एक थोड़ा पेट्रोल इसमें पहले ये छोटा वाला स्प्रोकेट में डालिएगा, तो क्या होता है कि पूरा एकदम डर्ट पूरा एकदम पेट्रोल में मिक्स हो के लूज हो जाएगा, तो आप आसानी से एक ब्रश के मदद से नहीं तो एक कपड़े के मदद से आराम से बाहर निकल सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा पेट्रोल डालने वाला हूँ स्प्रॉकेट के और चेन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया पूरा। मैं पहले पेट्रोल डाला स्प्रॉकेट और चेन के ऊपर, छोटा वाला स्प्रॉकेट और पीछे वाला स्प्रॉकेट में भी, और कपड़े और ब्रश के मदद से पूरा एकदम साफ कर दिया, बहुत आसानी से निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल गया था मेरे को भी, तो कुछ टेंशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना शाइन हो रहा है, पूरा एकदम क्लीन कर दिया। मैं आपको बिफोर और आफ्टर का एक फोटो बाजू बाजू दिखा देता हूँ। तो ऐसे ही मैं पेट्रोल डाला और एक कपड़े के मदद से पूरा एकदम साफ कर दिया, अंदर पूरा एकदम घुसा के, कपड़ा अंदर घुसा के पूरा एकदम साफ कर दिया। अभी पीछे वाला भी थोड़ा साफ करने का बाकी है, हो जाएगा पीछे वाला का भी, मैं अभी करने वाला हूँ पीछे वाला का भी। तो आप भी देख सकते हैं कितना फर्क है, मैंने जब पहले कोला था कितना गंदगी था और कितना डर्ट था, अब आप देख सकते हैं कि कितना शाइन हो रहा है पूरा पूरा स्प्रॉकेट, एकदम डर्ट पूरा निकल गया एकदम से। मैंने थोड़ा पेट्रोल डाल के और फिनिशिंग टचअप दे रहा हूँ, ताकि पूरा जो भी थोड़ा थोड़ा वहाँ वहाँ यहाँ पे जो भी है वो भी आसानी से निकल जाए। अब अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम है तो चेन में से आवाज़ आ रहा है, नहीं तो गियर शिफ्ट रोड बहुत हार्ड है गियर शिफ्टिंग करने में, तो आप खोल के देख सकते हैं कि क्या है आपका स्प्रॉकेट के केस के अंदर पूरा डर्ट भर चुका है या कि नहीं, तो आप खोल के देख सकते हैं। और दूसरा, कुछ गाड़ी में अगर आपका चेन लूज हो तो भी वो आवाज़ आता है बसिंग साउंड, तो ये दोनों भी आपका प्रॉब्लम है साउंड आने का। तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा पेट्रोल डाल के क्लीन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कैसा डर्ट बाहर आता है, कैसा शाइन कर रहा है पूरा एकदम, ऑयल पूरा लूज हो जाता है अगर जब आप पेट्रोल से क्लीन करते हो। तो पहले मेरा स्प्रॉकेट पूरा एकदम ब्लैक था, आप देख सकते हैं कैसा गोल्डन कलर में शाइन कर रहा है।
तो बहुत आसान तरीका है, आपको कोई स्प्रे या कुछ भी खर्चा करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा पेट्रोल डालना है और पूरा एकदम साफ करना है, और फिर आपके पास लूब है तो आप लूब कर सकते हैं चेन। बहुत आसान तरीका है। तो मैंने यहाँ पे फिर से कवर लगा दिया, स्प्रॉकेट कवर लगा दिया, और मैं स्क्रू टाइट कर देता हूँ। नीचे वाला पोर्शन भी मैंने एकदम पेट्रोल के मदद से पूरा एकदम क्लीन कर दिया, पूरा मिट्टी एकदम निकल गई। अभी गियर शिफ्ट रॉड में वापस लगा देता हूँ। बहुत आसान तरीका है, इसके वजह से आपका पिकअप भी बढ़ता है गाड़ी का, और आपका गाड़ी में आवाज़ भी कम होता है, कम हो जाता है, चेन में से जो आवाज़ आती है वो भी कम हो जाता है। आपको कोई पिकअप का प्रॉब्लम है तो वो भी इससे पिकअप भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपके स्प्रॉकेट में मिट्टी है तो वो स्प्रॉकेट भी ख़राब हो जाएगा जल्दी, चेन भी ख़राब हो जाएगा, और पिकअप भी डाउन हो जाएगा आपका गाड़ी का। मुझे यकीन है कि मेरा बाइक का परफॉर्मेंस अभी बदलने वाला है। गियर शिफ्टिंग में भी बहुत स्मूथनेस अब बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने पूरा एकदम गियर शिफ्ट रोडर के पूरा सराउंडिंग में पूरा गंदा था, मैं पूरा साफ कर दिया अभी। Thank you.